जबलपुर रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प, पीएम करेंगे वर्चुअल शिलान्यास। रेल यात्रियों की सुविधा और आराम को और अधिक बढ़ाते हुए पश्चिम मध्य रेलवे अब विश्व स्तरीय सुविधाओं की ओर अग्रसर है। इसी कड़ी में जबलपुर रेलवे स्टेशन को भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की भांति विकसित किया जाना है। इस उद्देश्य के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी, जिससे जबलपुर रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परियोजना का आज वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास करेंगे। इस महत्वपूर्ण अवसर पर राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि, पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह सहित अनेक विधायक उपस्थित रहेंगे। अमृत भारत योजना के अंतर्गत जबलपुर रेलवे स्टेशन को एक नए और विश्व स्तरीय रूप में विकसित किया जा रहा है। इस नवीनीकरण प्रक्रिया में स्टेशन के सौंदर्यीकरण से लेकर यात्री सुविधाओं के विस्तार तक का काम शामिल है। नई योजना के अनुसार स्टेशन में 2 नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, जिससे प्लेटफॉर्म की संख्या 6 से बढ़कर 8 हो जाएगी। इसके अलावा नए प्रस्ताव में विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ साथ स्टेशन के सौंदर्यीकरण पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। नए भवन के मुख्य हिस्से में जबलपुर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट और धुआंधार की मनमोहक छवि प्रदर्शित की जाएगी, जिससे यात्रियों को जबलपुर की संस्कृति और सौंदर्य से परिचित कराया जा सके। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। दूसरी जगहों से लाखों लोग जुड़े हैं, अलग अलग राज्यों के माननीय राज्यपाल श्री, माननीय मुख्यमंत्रीगण, केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और सार्वजनिक जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक, पद्म पुरस्कार जिनको सम्मानित किया है, ऐसे वरिष्ठ नागरिकों, भारत के महत्वपूर्ण जीवन जवाई कमाए गए हमारे स्वतंत्र सेनानी फ्रीडम फाइटर और हमारी भावी पीढ़ी युवा साथी भी आज हमारे साथ हैं। आप सभी की उपस्थिति में आज एक साथ रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। जबलपुर के विकास के लिए ऐतिहासिक और स्वर्णिम अवसर है। जबलपुर को एक के बाद एक विकास की वो सौगातें प्राप्त हो रही हैं जिनका जबलपुर को अधिकार था, लेकिन देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के पहले इसकी कल्पना नहीं हो सकती थी। मुझे कहते हुए बेहद खुशी है कि एक के बाद एक बड़ी सौगातों के साथ अब रेलवे में भी जबलपुर को एक ऐसी उपलब्धि हासिल हो रही है। जबलपुर का रेलवे स्टेशन 460 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक और भव्य रूप में सामने आने वाला है, और मैं कह सकता हूं कि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन होगा, जिसमें 30 लिफ्ट और 24 एस्केलेटर होंगे, 8 प्लेटफॉर्म होंगे, और उसके साथ साथ जबलपुर के रेलवे स्टेशन का लुक विश्व प्रसिद्ध धरोहर, हमारे जबलपुर के लिए गौरव, महाकौशल के लिए गौरव, भेड़ाघाट की थीम पर होगा, और ये हम सभी के गर्व और गौरव को बढ़ाने वाला होगा। आज 460 करोड़ रुपए की लागत के जिस एयरपोर्ट का भूमि पूजन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया है, उसके लिए हृदय की गहराइयों से मैं जबलपुर की जनता की तरफ से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। और जिस तरह से पूरे देश में विकास के काम हुए हैं, मध्य प्रदेश में अनेकों विकास के कामों की सौगात रेलवे की दृष्टि से आज मिली है, मैं मध्य प्रदेश की तरफ से भी उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं देश के यशस्वी रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी का भी आभारी हूँ कि मेरे आग्रह पर उन्होंने इस काम को, इस बड़े काम को साकार करके दिखाया। और जब ये लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं छूट रहा है, तो केवल दूरभाष पर बातचीत करके उनको स्मरण कराया और एक घंटे के अंदर इसकी स्वीकृति प्राप्त हुई। तो आज जबलपुर की जनता गौरवान्वित है कि जबलपुर
विकास के जन कार्यों का अधिकारी था, वो सारे कार्य जबलपुर में होने जा रहे हैं और शीघ्र ही 460 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट से भी ज़्यादा सुंदर और भव्य रेलवे स्टेशन जबलपुर की जनता को समर्पित होगा।